आज एक बुनियादी रुकन है इस्लाम का, साहब इस्तताअत पर ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज किया गया है। इसका मकसद रज़ाए इलाही का हुसूल है और ये मकसद हर हाजी को मुस्तहज़र होना चाहिए। अमूमी तौर पे हम जब हज पे जा रहे होते हैं, चूँकि ज़िंदगी में एक तवील तड़प जिद्दोजहद के बाद लम्हे नसीब होते हैं और ये ऐसी इबादत है जिसका ताल्लुक माल और दौलत से भी है कि साहब इस्तताअत पर फ़र्ज किया गया है, तो जूँ ही हाजी हज के लिए तैयारी करता है तो मुआशरे से दादो तहसीन, मोहब्बत, प्यार और हसरत की नज़र से देखा जाना, ये सारी चीज़ें उसे हासिल होती हैं। तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस पूरी बस्ती से, इस पूरे महल्ले से, पूरे ख़ानदान से अल्लाह ने मुझे ये सआदत नसीब की, तो और ज़्यादा झुक जाना चाहिए। लेकिन तरबियत ना होने की वजह से अमूमी तौर पे यहीं से ही उजब और ख़ुदनुमाई का जज्बा पैदा होने लग जाता है, जबकि ये चीज़ हज के मकासद के मुनाफी है। और वहाँ जा कर के भी हाजी जिस तरह से अपने हज को कैश करवा रहे होते हैं, सोशल मीडिया आने के बाद अब तो एक एक अदा अपने मिलने वालों तक पहुंचाई जा रही होती है। इहराम जो बांधा है ये तो एक फ़कीरी है कि सिले कपड़े भी नहीं पहने और लिबास उतार दिया और दो कपड़ों में कफन का नमूना है, लेकिन इसकी भी सेल्फ़ी अपने अजीज़ों को भेजी जा रही है। हत्ता के तवाफ़े काबा ये दीवानावार महबूब की चौखट का तवाफ़ है और अपने मालिक के हुजूर इलाहा उजारी के मनाजर थे, ये ख़ूबसूरत मनाजर भी सेल्फियों की नज़र हो गए। हद तो ये हो गई कि मवाजे अनवर के सामने रसूल करीम के रूबरू, जहाँ सांस का शोर भी अहले नज़र मुनासिब नहीं समझते, वहाँ भी रोज़े रसूल की जानब पुश्त करके सेल्फ़ी ली जा रही है और अपने दोस्तों को भेजी जा रही है। ये मैं हजरत अस्वद को चूम रहा हूँ, ये देखो मैं माए जमज़म पी रहा हूँ, ये देखो मैं साई कर रहा हूँ, मैदान अराफात इल्हा उजारी के मनाजिर अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी की दरख्वास्त के लम्हे थे, लेकिन उन लम्हात को भी हमने अपनी नमाइश की नज़र कर दिया। इतना लंबा सफ़र काटा, मुशक्क़तें सऊबतें रास्ते की गवारा की, खून पसीने की कमाई सरफ की, ज़िंदगी में एक मरतबा अल्लाह ने मौका नसीब किया, ये 6 इंच की स्क्रीन ने चैन वहाँ भी जाके न लेने दिया और हमारी सारी मेहनत जाके वहाँ ज़ाया हो गई। नमाइश तो अल्लाह को किसी सूरत ही पसंद नहीं है, तो हज के मौके पर ये देखने को मिलता है कि बस एक एक मंज़र कैप्चर किया जाता है और फिर अपने दोस्तों को भेजा जा रहा होता है कि ये देखो मैं कोहे सफ़ा पे खड़ा हूँ, ये कोहे मरवा पे खड़ा हूँ, ये तवाफ़ का मंज़र है, ये मुल्तज़म से लिपटा हुआ हूँ। अल्लाह अकबर, जहाँ अपने होश भी नहीं रहने चाहिए थे वहाँ भी सेल्फियाँ ली जा रही हैं, और कोई वहाँ मिल जाए तो फिर उसके साथ सेल्फ़ी मुसीबत बन जाती है, कोई इधर से आ रहा है जरा आप सेल्फ़ी दीजिए, कोई इधर से आ रहा है। तो ये इबादत के लम्हे हैं, इनको इबादत ही रहना चाहिए, तो इनको अपनी ख्वाहिशात की नज़र नहीं करना चाहिए, अपने पे हमें रहम करना चाहिए, अपने पे रहम खाना चाहिए। आदाब की रियायत के बग़ैर इबादत किस तरह हुस्न पा सकती है, तो हमें इनकी रियायत करनी चाहिए।
ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।